बड़वानी सर्किट हाउस पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल को शहर के प्रबुद्ध जनों ने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर जनता ने बड़वानी बंद करने की चेतावनी भी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम की ओर से मिले निर्देशों के बाद शुरू हुई प्रशासन की अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई से आम जन अब परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के चलते बड़वानी के प्रबुद्ध जनों ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल को ज्ञापन सौंप कार्रवाई बंद कराने की मांग की। प्रबुद्ध जनों ने बताया कि प्रशासन कार्रवाई के नाम पर गलत तरीके से सही लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। वहीं यदि यह कार्रवाई नहीं रोकी गई तो आने वाले समय में बड़वानी बंद कर इसका विरोध किया जाएगा। पिछले महीने दो महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में भू माफिया, ड्रग माफिया, बदमाश, गुंडे, ऐसे लोगों ने जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उसको स्थानीय कलेक्टरों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं और हम उसका संपूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पिछले दिनों बड़वानी में ऐसी कुछ घटनाएं हुई भी तो हमने उसका समर्थन करा, लेकिन विगत में ये देखने में आ रहा है कि इसकी आड़ में आम जनता को प्रभावित किया जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा है कि आम जनता को कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, लेकिन बड़वानी के कलेक्टर और SDM ये दोनों मुख्यमंत्री के आदेश की आड़ में आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं, अवैधानिक काम कर रहे हैं और इसके अलावा डरा के, धमका के और अंडर द टेबल क्या हो रहा है ये भी आप सब लोग जानते हैं। हमारा आज जो ज्ञापन दिया जनप्रतिनिधियों को वो यही दिया है कि 12 घाट बंगाली और 13वां घाट बड़वानी है। बड़वानी की जनता बहुत सीधी है, आप वैधानिक कार्रवाई किसी के खिलाफ करोगे बड़वानी की जनता आपका साथ देगी, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आम जनता ने प्रभावित होना नहीं चाहिए, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बात को अवॉइड करते हुए व्यापारियों को बुलाना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है हम आपकी दुकानें तोड़ेंगे, लाइन डालेंगे, तो कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है। हम राजनीति करते हैं, हमको जनता से वोट मांगने जाना है, तो अवैधानिक कार्य जो कलेक्टर SDM के द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध स्वरूप आज हमने ज्ञापन दिया है और अगर इसका सम्मानजनक हल नहीं निकला तो आने वाले समय में बड़वानी बंद भी होगा और जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा वो हम करेंगे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जनता ने ज्ञापन सौंपा है जिस पर जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। आज बड़वानी शहर के हमारे शहर के प्रमुख लोग ने हमें ज्ञापन दिया है, मेरे साथ माननीय मंत्री जी भी हैं और कुछ विषय हमारे संज्ञान में आया है, ज्ञापन का हम अध्ययन कर रहे हैं। लोगों का जो जनता को आक्रोश है उस आक्रोश की चीज़ों को हम परखेंगे और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं और हम ज्ञापन के अनुसार कुछ कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप सबने सर्किट हाउस में देखा ही होगा कि जनता का आक्रोश जिले के प्रशासन के खिलाफ है, फिर भी हम सरकार के पक्ष के हिसाब से हम बातचीत करेंगे और जो भी न्यायिक रहेगा उसके लिए निर्णय लेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा जो अभियान चला रहा है माफिया को कार्रवाई करने का, उसी को लक्ष्य में रखते हुए काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। काफ़ी बड़े बड़े जो माफियाज हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कुछ लोगों पर हमने कार्रवाई कर दी गई है, चाहे वो भू अर्जन का माफिया हो जिसमें हमने लगभग शासन का 45 करोड़ भू अर्जन का अलग से हड़पने का प्रयास किया था, उन पर हमने कार्रवाई की है। 2 FIR उसमें कराए हुए हैं। जो अवैध कॉलोनाइजेशन जो वाला काम करते हैं जिसमें ना तो वो भूमि का डाइवर्शन कराते हैं, ना ही उसका टाउन एंड कंट्री प्लान से लेआउट सेंक्शन करते हैं और ना कोई विकास की अनुमति लेते हैं, केवल भूमि कृषि भूमि के रूप में पट्टे बेच करके जो माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आम जनता के साथ चीटिंग किया हुआ उनको हमने टारगेट करके कार्रवाई की, वो 6-7 FIR उसमें भी किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीनों को कॉलोनी में दबा करके कॉलोनी के अंदर दबा लिया था, उसमें हमने काफ़ी ज़मीनें बाहर की हुई हैं और कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर बड़े भवन वगैरह बना लिए थे, मॉल बना लिए थे, उन पर हमने कार्रवाई की हुई है।
ऐसे लोग आगे जो कार्रवाइयों से बचने के लिए प्रशासन पर आरोप लगा करके और प्रशासन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग गलत काम करते हैं, जनता जनता की मंशा भी है और शासन की मंशा भी है कि ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा जावे, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और ऐसे गलत काम करने वाले हमारे टारगेट पर हैं। जहाँ तक कुछ लोगों ने सरकारी भूमि का जो लीज की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं की, हमने उनको भी नोटिस दिया हुआ है, परंतु वो लोग अभी से बचने के लिए दबाव लगा रहे हैं, जबकि उनको अपना जवाब पेश करना चाहिए। जो भी कागज आएंगे उनका वैधानिक परीक्षण किया जाएगा और जो आगामी नियम में कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। इसमें भी जहाँ तक हम लोगों ने कोई भी कार्रवाई, छोटी कार्रवाई किसी पर की नहीं है, हम लोगों ने केवल बड़े लोगों को भी टारगेट रखा हुआ है, बड़े माफिया के रूम में, कोई छोटा मोटा हमने कोई भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया हुआ है। ये केवल बचने के लिए, अपने को आगे बचाने के लिए लोग कुछ लोगों को आगे करके उनको बरगला रहे हैं, आम लोगों को बरगला रहे हैं, ये सब पूरा असत्य है। इन ऐसे लोग जो भविष्य में इनको लग रहा है कि हम पे भी कार्रवाई हो सकती है, तो वो सारे ऐसे लोग एकजुट होकर के कार्रवाई का विरोध करने के लिए माफिया का सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से की जा रही इस गलत कार्रवाई से आम जन को कब तक राहत मिल पाती है। एमपी न्यूज के लिए बड़वानी से तरुण जैमन की रिपोर्ट।